दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर वोकैबुलरी पार्ट टू, या कहें ग्लॉसरी ऑफ आर्किटेक्चर टर्म, या आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर टर्म। आइए देखते हैं कुछ नए टर्म्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि आज क्या है, आर्च इज ए कर्व्ड स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड इट इज अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट, है ना। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आज डायग्राम में, इस टाइप के आज की बात कर रहे हैं। ये आज जनरली क्या है कि ओपनिंग्स या डोर विंडो या ब्रिजेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई पर्पस का स्ट्रक्चर पर्पस इनको यूज किया जाता है कि ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनके ऊपर आने वाली जो मशीनरी है या जो भी लोड है उसको क्या है कि अपने साइड पर या अपने सपोर्ट पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये आज कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखकर आप आज पहचान जाएंगे और कभी भी आज की बात होगी तो आपको आइडिया लगेगा कि आज क्या होता है, ठीक। वैसे ही नीचे देख रहे हैं आप एक और फिगर जिसमें लिखा हुआ आर्केड। तो आर्केड क्या होता है? आर्केड इन आर्किटेक्चर ए सीरीज ऑफ आर्चेस कैरिड बाय कॉलम और पायर, ठीक है। तो आर्केड क्या है कि सीरीज ऑफ कॉलम, ठीक है, जो कि ये सीरीज ऑफ आर्चेस जो कि पायर्स के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आर्केड कहलाते हैं। और क्या कह सकते हैं आप? पैसेज बिटवीन आर्चेस एंड अ सॉलिड वॉल, ठीक है। तो ये भी जो पैसेज दिख रहा है, ये कहना चाहिए कॉलम के पीछे साइड में वरांडा का, ये पैसेज भी मतलब कहना चाहिए कहलाता है। और कवर्ड वॉकवे दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडजेसेंट शॉप, ठीक है। तो जनरली आप मार्केट में जो शॉप देखते होंगे वहाँ पे कि ऐसे कॉलम बने रहते हैं काफ़ी सारे और आर्चेस बने रहते हैं और पैसेज बना रहता है। तो ये यदि आर्केड की बात करें तो आप आर्केड को सिर्फ इतना ही समझें कि इन आर्किटेक्चर ए सीरीज ऑफ आर्चेस क्रिएट बाय या सीरीज ऑफ आर्चेस, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें आर्केड क्या है, सीरीज ऑफ आर्चेस। यहाँ पर आर्किट्रेव दिया गया है। आर्किट्रेव जनरली क्या है, ग्रीक और रोमन बिल्डिंग्स में जो आप देखते हैं तो उनमें इस टाइप के जो साइड में फिगर लगा हुआ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कॉलम और आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या है, क्लासिकल बिल्डिंग है, एक्चुअली क्लासिकल आर्किटेक्चर का पार्ट है ये। तो ये इसमें क्या है कि ये पूरे एनर्जी सिस्टम को ये टॉप से लेके ये बॉटम तक आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉलम है। कॉलम के ऊपर पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या है, एंटाब्लेचर कहलाता है। एंटाब्लेचर में क्या है, सबसे लोअर वाला जो पार्ट है, लोवेस्ट पार्ट है, वो आपका आर्किटेक्ट कहलाता है, ठीक है। या आप यूँ कहें कि यदि ये देख रहे हैं आप कॉलम कॉलम, तो सबसे जो इनके ऊपर कहना चाहिए ये एज ए लिंटल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये लिंटल नुमा जो पार्ट है ये आर्किटेक्ट कहलाता है, ठीक। जनरली क्या है, ग्रीक और रोमन बिल्डिंग्स में जो आप देखते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल भी, यहाँ पर कैपिटल भी देख लीजिए आप, ये कॉलम है पूरा। ये कॉलम में क्या फ्लूट्स ग्रुप्स टाइप के बने हुए हैं जिनको फ्लोटिंग कहते हैं। और ये कैपिटल क्या है, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ऊपर का जितने में कैपिटल लिखा हुआ, ठीक है, ये कॉलम का जो टॉप का जो हेड है वो हेड ही क्या है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो ये कैपिटल हो गया। एरिज की बात करें, एरिज ये इन आर्किटेक्चर एन एरिज इज द शार्प एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, ठीक है। सिर्फ इतना ही पार्ट समझे आप कि जो भी दो सरफेस को इंटरसेक्ट करने वाला जो एज है उस एज को हम क्या एरिज कहते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या है, आर्टिकुलेशन इज द मैनर और मेथड ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स, ठीक है। किसी भी चीज के पार्ट्स को ज्वाइन करने की मेथड कहना चाहिए ये आर्टिकुलेशन कहलाती है, ये कह सकते हैं आप उसको। किसी भी चीज को आर्टिकुलेट करना है या ना किसी मैनर में जमाना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, सुशोभित सुसज्जित यदि हिंदी में समझें, ठीक है। तो इस टाइप से आर्टिकुलेशन इज द मैनर और मेथड ऑफ जॉइनिंग पार्ट सच दैट ईच पार्ट इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इन रिलेशन टू द अदर्स इवन दो जॉइंट, ठीक है। एट्रियम की बात करें तो इन आर्किटेक्चर एंड एट्रियम इज अ लार्ज ओपन एयर और स्काईलाइट कवर्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ बिल्डिंग, ठीक है। जनरली आप एट्रियम क्या है, यदि आप मॉल वगैरह देखते होंगे या बड़ी बिल्डिंग्स, तो क्या है कि बिल्डिंग्स में इस टाइप के ओपन स्पेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ओपन स्पेसेस क्या है कि एट्रियम कहलाते हैं। जनरली आपको क्या है हॉस्पिटल या उसकी बिल्डिंग्स में देखने को मिल जाएंगे ये, ठीक है। जनरल कमर्शियल बिल्डिंग में आपको ये एट्रियम वगैरह देखने को मिलता है।
और हम बात करते हैं आगे एटीक की बात करें तो एटीक यदि आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं साइड में ये बिल्डिंग बनी हुई है सिंगल एक्स बिल्डिंग है ठीक है। जनरली ये क्या है कि जहाँ पर ये ठंडे इलाकों में इस टाइप की रूफिंग की जाती है जहाँ पर की बर्फबारी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्टीप क्या है कि रूफ बनाई जाती है स्टीप स्लोप की रूफ बनाई जाती है। यहाँ पर देखें कि ये रूफ का ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना स्टीप है ना ज़्यादा मतलब खड़ा स्लोप है कहना चाहिए ठीक है स्टेप स्लोप है। तो ये स्लोप में क्या है कि ये ऊपर का यदि आप देखें रूफ का ही पार्ट इतना ऊपर इतनी आपको हाइट मिल जाती है कि इसके ऊपर आप क्या है एक कहना चाहिए फ्लोर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको क्या है स्टोर रूम या किसी भी पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। एटिक पर स्मॉल टॉप स्टोरी विद इन ए रूफ अबाउट द अपर मोस्ट सीलिंग द स्टोरी अबाउट द मेन एंड टेम्परेचर ऑफ ए क्लासिकल फसाड ठीक है। तो जनरली आप बस इतना समझें कि स्मॉल टॉप स्टोरी विद इन ए रूफ तो ये क्या है विद इन ए रूफ है कि यहाँ पर एक स्टोरी और बनाई दी इनने यहाँ पे ये एक इंटीरियर दिखाया गया है कि उसी स्टोरी का ठीक है इस टाइप से फ्लोर है और ये रूफ टेपर्ड दिख रही है आपको ठीक है। तो इस स्पेस को या इस फ्लोर को हम क्या है एटिक कहते हैं ठीक है। फिर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की है जब भी बात होती है कंस्ट्रक्शन को लेकर आर्किटेक्चर को लेकर तो यहाँ ब्रिक बॉन्ड की बात होती है ठीक है। तो यहाँ ब्रिक बॉन्ड देखें आप तो ब्रिक बॉन्ड यानी ब्रिक को जोड़ने का तरीका है तो कई मेथड से इसको कहना चाहिए जोड़ा जाता है ठीक है। तो ये जोड़ने का तरीका ही क्या है ब्रिक बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिक बॉन्ड दिए तो काफ़ी सारे तरीके से आप क्या है ब्रिक को जमा कर और आपस में उनकी बॉन्डिंग कर सकते हैं ठीक है। ब्रिक वर्क विद ओवरलैपिंग ब्रिक्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड इंक्लूडिंग स्ट्रेचर इंग्लिश हेडर फ्लेमिश गार्डन वॉल हेरिंग बोन बास्केट अमेरिकन एंड चाइनीज ठीक है और भी कई प्रकार के ब्रिक बॉन्ड होते हैं। तो जनरल जो ब्रिक बॉन्ड है ये आप देखने को देख रहे हैं। फिर हम ब्रैकेट की बात करें ब्रैकेट जनरली क्या है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए किसी लगाया जाता है ठीक है या किसी चीज़ का कहना चाहिए नीचे से सपोर्ट देना है या किसी चीज़ को उसके ऊपर हैंग करना है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है। और जनरल जो ग्रीक और ये और पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें देखेंगे आपके का मतलब ब्रैकेट आपको स्टोन के ब्रिक के मेटल के ठीक है टिम्बर के सभी प्रकार के आपको क्या है ब्रैकेट्स देखने को मिलते हैं ठीक है। तो एक जनरल एक ये डायग्राम में दिखाया गया है ब्रैकेट ठीक है और स्टील के ब्रैकेट आप देख रहे हैं कि इस टाइप के ये स्टील के ब्रैकेट आते हैं जिनको भी सपोर्ट के लिए लगाया जाता है कई पर्पज से ठीक है। तो ये ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। कैंटिलीवर की बात करें अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग बीम और गर्डर फिक्स्ड एट ओनली वन एंड यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन ठीक है। तो यहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्शन दिया तो जनरली क्या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कैंटिलीवर का काफ़ी इस्तेमाल होता है आप देखते होंगे फ्लाई ओवर ब्रिज वगैरह या तो उसमें दिखेंगे आपके कैंटिलीवर बीम्स वगैरह आपको दिखने मिलेंगे। लेकिन कैंटिलीवर का क्या मतलब है ये प्रोजेक्शन ठीक है जो कि एक साइड एक एंड पर फिक्स्ड हो दूसरे एंड पर क्या है फ्री हो ठीक है। तो यहाँ पर एक दो फिगर दिए हुए एक में बिल्डिंग दिखाई हुई जिसमें एक कैंटिलीवर बना हुआ है ठीक है। तो कैंटिलीवर कई पर्पज से बनाए जाते हैं और यदि आप देखें जनरल बिल्डिंग में तो आप छज्जा प्रोटेक्शन वगैरह देखते हैं वेदर शेड वगैरह देखते हैं तो वो भी एक प्रकार का कैंटिलीवर होता है ठीक है। कैपिटल की बात करें तो जो ग्रीक और रोमन बिल्डिंग्स में जो कॉलम्स आप देखते हैं जैसा कि अभी हमने देखा था तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉलम में क्या है जनरली आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे कि एक तो पूरा शाफ्ट दिखाई दे रहा है मतलब ये बीच का पार्ट फिर उसका कॉलम का ऊपर टॉप पार्ट और कॉलम का बॉटम पार्ट ठीक है। तो ये टॉप के पार्ट को हम कैपिटल कहते हैं और बॉटम के पार्ट को हम बेस कहते हैं और बीच के जो पार्ट है जो कॉलम का उसे हम शाफ्ट कहते हैं ठीक है। तो ये कैपिटल क्या है द टॉप मोस्ट मेंबर ऑफ अ कॉलम ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट मेंबर जो है उसका कॉलम का वो आपका क्या कैपिटल कहलाता है। सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ पीपल थ्रू आउट ए बिल्डिंग ठीक है। बिल्डिंग में लोगों के चलने का जो कितना भी एरिया होता है या जहाँ जहाँ मूव कर सकते हैं वो एरिया क्या है कि कहना चाहिए सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट कैप्चर्स द एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग आवर बॉडीज अराउंड अ बिल्डिंग और थ्री डायमेंशनली एंड थ्रू टाइम ठीक है। तो ये क्या है सर्कुलेशन आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है वर्टिकल हो सकता है पर थ्री डायमेंशनली क्या है सर्कुलेशन हो सकता है आपका ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन का मतलब मूवमेंट का और मूवमेंट से मतलब है कि पीपल मूवमेंट जो एरिया है उसे आप सर्कुलेशन। कॉलम की बात करें तो जनरल बिल्डिंग में आप देखते हैं आज की डेट में कॉलम और बीम का फ्रेम बना के क्या है कि बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये जो वर्टिकल मेंबर जो आप देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जिनसे कि सारे कॉलम को टाई किया जाता है
वो आपकी बीम कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉपिंग देख रहे हैं, तो कॉपिंग और कैपिंग दो कहना चाहिए टर्म्स हैं। जनरली कॉपिंग क्या है, द कॉपिंग और कवरिंग ऑफ ए वॉल। ठीक है, तो कॉपिंग क्या है कि जनरली हम क्या है, पैरापेट वॉल या बाउंड्री वॉल जो बनाते हैं उसके टॉप में पानी इकट्ठा ना हो, पानी क्या है वॉल के अंदर पेनिट्रेट ना हो, और वो पेनिट्रेशन से क्या है कि वॉल के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या है कि जो वॉल बनाते हैं उसके टॉप पार्ट के ऊपर हम क्या है कॉपिंग बनाते हैं। कॉपिंग क्या काम करती है कि उसके ऊपर जो भी रेन वाटर आता है तो उसने क्या है नीचे की ओर उसको फ्लच कर देती है, जिससे कि ब्रिक वॉल का टॉप क्या है कि कहना चाहिए मॉइस्चर उसमें क्रिएट नहीं होता या पानी उसमें पेनिट्रेट नहीं होता। ठीक है, तो ये इस पर्पज से कॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कुछ टर्म हमने देखी, और देखें हम कॉर्बल। तो यहाँ पर आप ये कॉर्बल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर पीस ऑफ ए स्टोन वुड और मेटल फ्रॉम ए वॉल टू कैरियर सुपर इनकम्बेंट वेट। ठीक है, द टर्म कॉर्बल रिफर टू एन आर्किटेक्चरल मेंबर्स दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम ए वॉल एंड एक्ट एज अ टाइप ऑफ ब्रैकेट टू कैरी वेट सच एज दैट इम्पोज्ड बाय बालकनी अबाउट। कॉर्बल आर बिल्ट इनटू वॉल टू अ डेप्थ दैट अलाउ द प्रेशर ऑन द एम्बेडेड पोर्शन टू काउंटरैक्ट द लोड ऑन द एक्सपोज्ड पोर्शन। ठीक है, तो जनरली क्या है कि ये जो कॉर्बल है, कॉर्बल का भी इस्तेमाल क्या है ब्रैकेट की ही तरह होता है लगभग। ठीक है, तो ब्रैकेट ऐसा ही हम क्या है कि, लेकिन हम ये क्या है कि वॉल के बाहर की ओर जो प्रोजेक्शन देखते हैं और जिसके ऊपर की हम किसी भी चीज़ का मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो और वो कॉर्बल के ऊपर सपोर्ट करते हैं या कॉर्बल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कॉर्बल का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जनरली बालकनी बनाने के लिए क्या है कि हम वॉल के अंदर एक कॉर्बल लगाते हैं और उसके ऊपर हम क्या है कि कहना चाहिए कि फ्लोर का जो भी मटेरियल है वो लगाते हैं। तो इस टाइप के सपोर्ट के लिए क्या कॉर्बल जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप कहना चाहिए रिज वाली रूफ देखेंगे या पिच रूफ देखेंगे तो उसमें क्या है जनरली क्या है कि वॉल प्लेट को रखने के लिए भी क्या कॉर्बल का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे कई पर्पज से कॉर्बल का इस्तेमाल किया जाता है। गजीबो की बात करें, गजीबो की बात करें तो फ्री स्टैंडिंग पवेलियन स्ट्रक्चर ऑफन फाउंड इन पार्क गार्डन एंड पब्लिक एरियाज। जनरली आपने गार्डन्स में इस टाइप के क्या है ये हट नुमा स्पेसेस देखे होंगे जहाँ पर कि लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, और बैठ कर पेपर वेपर पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के ये जो स्पेसेस क्रिएट किए गए हैं फ्री स्टैंडिंग पवेलियन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे क्या है कि गजीबो कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ देख लिया, समझ लिया। और देखें हम की स्टोन, द आर्किटेक्चर पीस एट द क्राउन ऑफ ए वर्ल्ड और आर्च एंड मार्क इट अपेक्स लॉकिंग द अदर पीसेज इन टू पोजिशन, तो ऐसे हम की स्टोन कहते हैं। ठीक है, ये की स्टोन क्या कहते हैं, आर्च में जनरली आप देखेंगे स्टोन क्या आर्च बनाए जाते हैं, तो वेज शेप की कहना चाहिए स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है और बीच में एक ऐसा स्टोन लगा होता है कि यदि इसको हम हटाते हैं तो बाकी सारा आपका आर्च क्या फेल हो जाता है। तो द आर्किटेक्चरल पीस एट द क्राउन ऑफ ए वॉल्ट और आर्च एंड मार्क इट्स अपेक्स लॉकिंग द अदर पीसेज इन टू पोजिशन, तो वो पीस क्या है कि आपका की स्टोन कहलाता है। लिंटल की बात करें तो लिंटल आप जानते हैं जनरली लिंटल क्या है, ओपनिंग्स के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि ओपनिंग्स के ऊपर जो मशीनरी है उसको वेट को बियर करें और उस लोड को क्या है अपने सपोर्ट्स के ऊपर ट्रांसफर करवाएं, इसलिए हम क्या लिंटल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिंटल कई मटेरियल के हो सकते हैं, स्टील का हो सकता है, टिम्बर का हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डोर विंडो बना हुआ रेड कलर से जो मेंबर बनाया हुआ है इसे लिंटल कहते हैं, और यहाँ पर ये टिम्बर का डोर बना हुआ, डोर के ऊपर क्या है लिंटल लगा हुआ टिम्बर का। A horizontal block that span the space between two support is usually over an opening such as window or door. ठीक है, तो ये lintel कहलाता है। Pediment की बात करें तो pediment आप देख रहे हैं कि classical architecture है, classical building जो आप देखते हैं Greek और Roman building, तो उसमें ये triangle shape आपको काफ़ी buildings में दिखाई देता है। ये triangle shape में ये जो triangle part है ये आपका pediment कहलाता है। ठीक है, ये Greek और Roman buildings की बात करें हम, उनके क्लासिक बिल्डिंग की बात करें उनमें ये पेडिमेंट कहलाता है। और जनरल हम पेडिमेंट जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो फुटपाथ वगैरह आप देखते हैं उसको हम पेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है लोगिया। लोगिया क्या है, अ गैलरी फॉर्म्ड बाय ए कॉलोनेड ओपन ऑन वन और मोर साइड्स, द स्पेस इज ऑफन लोकेटेड ऑन एन अपर फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग ओवर लुकिंग एन ओपन कोर्ट और गार्डन। ठीक, तो लोगिया क्या है कि जैसा कि जनरली आप देखते होंगे बिल्डिंग्स में सामने कि आर्केड प्रोवाइड किया रहता है और जो पैसेज रहता है वो पैसेज को जो सामने बालकनी का पैसेज या कॉरिडोर का पैसेज। ठीक है, ये कई पर्पज है, ओपन कोर्ट यार्ड में भी इस टाइप के पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये पैसेजेस भी आप क्या लोगिया कहलाते हैं। ठीक है,
जनरली ये लोग हैं कि दो पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें एक फ्रंट का बताया बिल्डिंग में, तो फ्रंट में बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि आर्केड बना हुआ है, बहुत सारे आर्चेस बने हुए हैं, और आर्चेस से लगा हुआ जो कॉरिडोर है वो आपका लोबिया कहला रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक अंदर की साइड से बाहर की ओर देखने के लिए ये लोबिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए लोबिया कहला रहा है, ठीक। मेरे ख्याल से काफी कुछ आपने देखा। और हम बात करते हैं कि पोर्टिको, पोर्टिको जनरली आपने सुना होगा कि पोर्टिको क्या होता है। तो पोर्टिको क्या है, सीरीज ऑफ कॉलम और आर्चेस इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग जनरली एज ए कवर्ड वॉकवे, ठीक है। तो या ऐसा कह सकते हैं, पोर्टिको इज एन एरिया विथ ए रूफ बाय द फ्रंट डोर ऑफ ए होम, आइदर कॉलम और रूफ ओनली। पोर्टिको आर प्लेसेस टू प्रिपेयर फॉर गोइंग आउट और कमिंग इन द इनफॉर्म द एलिमेंट्स। द रूफ अलाउ वन टू ओपन एन अम्ब्रेला बिफोर स्टेपिंग इन टू द रेन, ठीक है। तो कहना चाहिए कि जनरली क्या है कि ब्रिटिश हाउस जो आप वगैरह देखते हैं तो वो जनरली क्या है, उनके डोर देखे होंगे डायरेक्टली बाहर की साइड ओपन होते हैं। तो ये डोर के ऊपर क्या है कि हम छोटे छोटे पोर्टिको बनाए जाते हैं कि जो एक कहना चाहिए शेड का काम कर पाए, या रेन वाटर से आपको बचा पाए, ठीक है। या फिर आप देखते हैं ये बाजू में बिल्डिंग देख रहे हैं आप कि एक वरांडा टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये वरांडा टाइप का बना हुआ है, तो ये वरांडा टाइप का एरिया भी जो कि चारों साइड से मतलब तीनों साइड से ओपन है, तो ये भी क्या है कि पोर्टिको कहलाता है, ठीक है। इस टाइप के पोर्टिको की बात करें, ये सारे पोर्टिको कहना है। फेनेस्ट्रेशन की बात करें तो फेनेस्ट्रेशन मतलब बिल्डिंग में जो भी आप ओपनिंग्स देखते हैं वो सारी ओपनिंग्स को हम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेशन रिफर टू द ओपनिंग इन द बिल्डिंग एंड वेल इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो डोर एंड स्काई लाइट। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग दिस ओपनिंग इन द बिल्डिंग इन वेल इज नोन एज फेनेस्ट्रेशन, ठीक है। फिर हम बात करें बिल्डिंग एनवेलप की, बिल्डिंग एनवेलप यानी कि बिल्डिंग का जो कहना चाहिए बिल्डिंग है जो आउटर वॉल है, आउटर कवरिंग है, वो बिल्डिंग एनवेलप आप, ठीक है। द बिल्डिंग एनवेलप इज द स्ट्रक्चर बैरियर बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लाइमेट कंट्रोल विद इन द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। क्लाइमेट कंट्रोल रिफर टू कूलिंग एंड हीटिंग अ बिल्डिंग। द बिल्डिंग एनवेलप ऑल्सो कीप द इंटीरियर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, साउंड एंड लाइट। The building envelope structure includes the roof, walls, foundation, doors and windows. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बिल्डिंग का जो बिल्डिंग पार्ट है जो जिसको बिल्डिंग एनवेलप कहते हैं, बिल्डिंग का आउटर जो लाइन है उसको एक बिल्डिंग एनवेलप कहेंगे, ठीक है। तो जो कि जो आउटर पार्ट की बाहर के और अंदर के एटमोसफियर को अलग करता है, सेग्रीगेट करता है, ठीक है, तो वो बिल्डिंग एनवेलप कहलाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपने काफी कुछ समझा। तो मेरे ख्याल से जो मेन मेन मुझे जो समझ में आता था कि जो जनरली आपको पढ़ने में आएंगी ये सारी कहना चाहिए वोकैबुलरी, तो वो मैंने थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।